और बड़ी खबर दिल्ली से, नवनीत सहगल प्रसार भारतीय बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। भारत सरकार ने सहगल को 3 वर्षों की तैनाती दी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रसार भारती के मुखिया के रूप में 3 वर्षों की तैनाती दी गई है और नवनीत सहगल यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। आईएएस नवनीत सहगल और सहगल के पास कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का एक लंबा अनुभव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में उन्हें विशेषज्ञता हासिल रही है और भारत सरकार ने उसी से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी है। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए अनुभव का फायदा और इसी वजह से बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। प्रसार भारती के मुखिया के रूप में 3 वर्षों की तैनाती दी गई है। नवनीत सहगल यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी। देखिए प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल बनाए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। भारत सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी नवनीत सहगल को सौंपी है और दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है, नवनीत सहगल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए नवनीत सहगल को प्रसार भारती का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है और शांतनु लंबा अनुभव नवनीत सहगल के पास है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी है, चर्चित आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं और कई मुख्यमंत्रियों के साथ नवनीत सहगल ने काम किया है, तो लंबा अनुभव उनको काम का है और मंजूरी जो है वो सरकार की दे दी गई है। अब प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति नवनीत सहगल की हुई है और कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि चर्चित आईएएस अधिकारी है और 1988 बैच के कैडर के है नवनीत सहगल, तो ऐसे में अनुभव उनके पास मुख्यमंत्रियों के दौरान जो वो काम किए हैं, लंबा अनुभव नवनीत सहगल के पास है और अब सरकार ने मंजूरी जो है वो प्रसार भारती चेयरमैन के तौर पर नवनीत सहगल को नियुक्त किया है और उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। 3 वर्ष का ये कार्यकाल नवनीत सहगल का होगा क्योंकि पिछले वर्ष ही वो रिटायर हुए हैं और अभी उनकी नियुक्ति जो है वो प्रसार भारती चेयरमैन के तौर पर हो गई है और अब काम करेंगे क्योंकि अनुभव उनके पास पहले से ही है किस तरह से काम किया जाता है और कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे काम करना है, ये उनके पास पहले से ही अनुभव है। तो अब सरकार की मंजूरी भी जो है वो मिल गई है और नवनीत सहगल अब प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, और देखिए कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव, स्वाति, कहा जाए कि एक लंबा अनुभव और उसी वजह से कहा जाए कि ये बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने नवनीत सहगल को सौंपी है। जी बिल्कुल, लंबा अनुभव उनके पास है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, कई मुख्यमंत्रियों के साथ नवनीत सहगल ने काम किया है और वो जो काम का अनुभव होता है उसके आधार पर जो है वो नियुक्ति होती है। तो नवनीत सहगल की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है और उससे जो है वो ज़्यादा पता होता है कि आपको आगे किस तरह से काम करना है जब आपके पास लंबा अनुभव होता है। तो इसी वजह से 1988 बैच के वो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं आईएएस अधिकारी और चर्चित आईएएस अधिकारी है, तो इनकी नियुक्ति अब हो गई है, प्रसार भारती चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति हुई है। जो अनुभव नवनीत सहगल के पास है उसका असर भी जो है वो जब नियुक्ति चेयरमैन के तौर पर हुई है तो उनका काम जो है वो वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो 3 वर्ष का उनका शांतनु कार्यकाल होने जा रहा है और मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। बिल्कुल, और देखिए इसी काम पे कहा जाए कि स्वाति विशेषज्ञ वो माने जाते हैं नवनीत सहगल, क्योंकि लंबा इसी कार्यक्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक लंबा अनुभव नवनीत सहगल के पास है और जैसा कि आपने कहा कि यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी हैं और एक लंबा अनुभव और इसी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विशेषज्ञता भी उनको हासिल है और इसी वजह से प्रसार भारती बोर्ड का जो चेयरमैन है वो नवनीत सहगल को ये बड़ी जिम्मेदारी कहा जाए कि सरकार के द्वारा सौंपी गई है। स्वाति, जी बिल्कुल,
देखिए, जब आपके पास लंबा अनुभव होता है, काम किस तरह से किया जाता है इसका अनुभव आपके पास होता है, और जब आप खास तौर पर मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते रहे, लंबे समय तक आप काम नवनीत सहगल ने किया है, और इससे पहले भी हमने कहा कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री के साथ नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है वो सरकार बदली और इससे पहले जो सरकारें रही उसमें भी नवनीत सहगल ने काम किया है, तो उनको लंबा अनुभव है कि किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से जो है काम होता है, तो कई सारी जो जानकारियां हैं वो नवनीत सहगल के पास है, अनुभव उनके पास है, वो एक चर्चित आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर पिछले वर्ष हुए हैं, और जिस तरह से उनका कामकाज रहा है, जो सफर रहा है, उसको देखते हुए, अनुभव को देखते हुए ही ये मंजूरी जो है वो सरकार ने दी है। अब नवनीत सहगल के पास नई जिम्मेदारी शांतनु है, प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर वो काम करेंगे, मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है, और जो है उनका काम अब प्रसार भारती चेयरमैन के तौर पर देखने को हम सबको मिलेगा, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब वो मुख्यमंत्री के साथ काम करते रहे और प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे, तो अनुभव वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है स्वाति, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नवनीत सहगल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार ने नवनीत सहगल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा, और तारीखों का ऐलान होते ही